इंसान सुखी कैसे हो, समाज समृद्धि कैसे बने और देश में खुशहाली कैसे आए, न्याय सुरक्षा और रोजी रोटी कैसे मिले, इसका सरल रास्ता बताने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने 20 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से भक्तों को बताया कि भारत किस तरह से सोने की चिड़िया बना, क्यों अंग्रेज भारत आए और फिर कैसे आज़ादी के बाद भारत की समस्त व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। आप भी सुनिए महाराज जी के ये वचन। मेहनत करके लोग जो सामान बनाते थे विदेशों में जाता था, उसके बदले में क्या आता था? उसके बदले में सोना आता था। जब विदेशियों ने ये देखा कि भारत देश में सोना बहुत जा रहा है और इतना सोना चला गया कि भारत सोने की चिड़िया कहे जाने लगा, तब उनको हो गई लालच और बोले चलो किसी भी तरह से यानी हम सोने को लाएंगे अपने यहाँ। तो तरह तरह के उपाय लोगों ने सोचे और यहाँ पर अन्य लोगों का आना शुरू हुआ, और आना शुरू हुआ तो वही राज्य करने लग गए। बादशाहियत इसको कहते हैं। जब बादशाहियत आ गई तो अपना रीत रिवाज और अपनी परंपरा लोगों पर थोपने लग गए। विरोध भी हुआ, आप समझो जब जनता जगती है, जनता को कोई ज्ञान होता है इस तरह की हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, तब वो प्रयास करती है। खुद जनता जब नहीं सोच पाती है क्या करें, तो उस मालिक से आवाज़ लगाती है, तो वो कोई न कोई तरीका अन्य लोगों के खुशहाली के लिए निकाल देता है। तो अब इस तरह से यानी समझो कि मुसलमान आए यानी उन्होंने राज्य किया, फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने राज्य किया। तो अंग्रेज तो ऐसे यानी राज्य करने की नीयत से नहीं आए थे, वो तो व्यापार करने की नीयत से ही आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बड़े मेहनतकश हैं और यहाँ के लोग सीधे और सच्चे अच्छे हैं और ईमानदारी बरतते हैं, यहाँ की जो धरती है वो बहुत ही उपजाऊ है, यहाँ पर अन्य धार्मिक भावना लोगों में ज़्यादा है, इसका उन्होंने अध्ययन किया। क्योंकि जो धार्मिक होता है वो अन्य सबकी मदद करता है, सत्य बोलता है, हिंसा हत्या पर विश्वास नहीं करता। जो धार्मिक मजहबी होता है खिदमत सेवा पर विश्वास करता है, लोगों की खिदमत सेवा करता है, आप ये समझो परोपकार जिसको कहते हैं, दूसरे की मदद करता है। तो इस तरह का वातावरण उस समय पर बहुत था। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि यह देश बहुत अच्छा है, तो उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि समझ लो कि यह एक अन्य दुनिया के लिए एक यह भाषा ऐसी है कि जिससे कुदरत के प्रकृति के यानी उस मालिक के संविधान को जाना समझा जा सकता है। सबसे पहले संस्कृत भाषा में ही यानी समझो कि ये आयतें जिसको कहते हैं यानी ये उतरी थीं, यानी आप समझो ब्रह्मा के मुँह से जिसको वेदवाणी कहा गया वो आप ये समझो संस्कृत में ही है। अब जब उस भाषा को लोग नहीं समझ पाए, बाद में लोग आए तो हिंदी में उसका यानी समझो अनुवाद किया, लेकिन संस्कृत में ही यानी वो आयतें उतरी थीं। ये जैसे देश का संविधान है ऐसे पूरे संपूर्ण विश्व का संविधान यानी किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया था तो उन्होंने सब बना दिया, लिख दिया। तो संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसको लिख करके इंग्लिश में वहाँ भेजा। तब उन्होंने उस पर शोध किया कि कैसे किस तरह से इनके ऊपर हुकूमत किया जाए। तब उन्होंने यही सोचा कि इनके खान पान को ख़राब किया जाए, इनके आने समय लोग के पहनावे को ख़राब किया जाए, इनके विचार और भावनाओं को बदला जाए, शिक्षा में परिवर्तन किया जाए। तो शिक्षा की नीति ही बदल दी, शिक्षा में परिवर्तन यानी उन्होंने भारी यानी संख्या में भारी
यानी उसमें किया गुस्का और खान पान जब धीरे धीरे भारी बिगाड़ने लग गए तो आप ये समझो कि अंग्रेजियत लोगों में आने लग गई, अहसाराम की प्रवृत्ति आने लग गई, ईश्वर भगवान को लोग भूलने लग गए धीरे धीरे। अब जब उन्होंने ये देख लिया कि अन्य समझ लो कि अब हमारा आधिपत्य जमने लग गया, लोगों को लोभी और लालची बना दिया, कंपनी में अपने भर्ती करके लोभी लालची बना दिया, आदत जब लोगों की खराब कर दिया तो लोग मजबूर हो गए, फिर वो हुकूमत करने लग गए। और इस तरह से पूरे देश में यानी आप ये समझो कि अधिकार प्राप्त कर लिया कि लोग कहते थे कि अंग्रेजों का सूरज जहाँ से निकलता है अस्त होता है वहाँ तक का राज्य रहेगा, आधिपत्य रहेगा। जब अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अनेक समय लोग के अभियान शुरू किया तो उस समय पर आप ये समझो कि इनको अपने दरवाजे पर लोग खड़ा नहीं होने देते थे कि तुम गांधी टोपी लगा करके हमारे सामने नहीं आओगे, नहीं तो साहब नाराज हो जाएगा, हमको फांसी दे देगा, सजा दे देगा, इतना आतंक यानी उन्होंने फैला रखा था। लेकिन आप ये समझो जो आवाज़ होती है यानी वो कभी दबती नहीं, अच्छी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। और फिर परिणाम यह हुआ कि एक दिन उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा तो देश आज़ाद हुआ। अब जो लोग उस अंग्रेजियत में यानी फंसे हुए थे ज़्यादातर लोग वही आ गए, और वो आदत खान पान की धीरे धीरे यानी बिगड़ती गई और धीरे धीरे उनके चाल चलन खराब होते गए और वही यानी समझ लो देश को खोखला करने में लग गए। कोई विचार नहीं लोगों के सामने रख पाए, भावनाएं नहीं रख पाई और आज ये हालत हो गई। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब तक विचार नहीं बदले जाएंगे, भावनाएं नहीं बदली जाएंगी, नैतिक शिक्षा नहीं लाई जाएगी, खान पान लोगों का दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक आप ये समझो खुशहाली नहीं आ सकती है।